हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन द कैटलिस्ट एंड टुडे वी विल डिस्कस 28 अगस्त करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखना चाहता हूं, आप लोग जरूर उनका आंसर्स दीजिए। तो पहला प्रश्न तो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन रेलवेज पिछले सालों में, मतलब 3, 4, 5, 6 ईयर्स में इंडियन रेलवेज ने कौन कौन से ऐसी नई टेक्नोलॉजी को इजाद किया है और उसको डिप्लॉय किया है। कैन यू अरेंज दिस आंसर और नॉट, मतलब ये कि इंडियन रेलवेज ने पिछले सालों में जो जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया है वो क्या है, किस प्रकार से वहां पर अपग्रेडेशन हुआ और कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज अभी ट्रैक को लेकर आई हैं। इज इट क्लियर? और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मैगलेव ट्रेन, बुलेट ट्रेन भारत में सस्टेनेबल हैं? हम लोग जो पिछला जो ऑलरेडी ट्रैक, हमारे जो कोचेज हैं, हम लोग कभी बार जर्मन टेक्नोलॉजीज का भी प्रयोग करते हैं, हम लोग सेमी हाई स्पीड ट्रेन को यूज कर रहे हैं, तो क्या ये सस्टेनेबल है कि हम लोग बुलेट और मैगलेव ट्रेन को भविष्य में कब तक यूज करेंगे, क्या होगा प्रोसेस? कैन यू लिंक दीज पॉइंट्स और नॉट, ये जरूर जो है एक आंसर आपको लिखना है, ठीक है? और जितनी भी टेक्नोलॉजी, जैसे डायरेक्ट कॉलिजन अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी, कि दो ट्रेन फॉग के समय में यदि आमने सामने आ गई तो पहले ही इत्तला हो जाए कि जो है ट्रेन्स को पता चल जाए या फिर जो टीम है उसको पता चल जाए कि दोनों ट्रेन्स सेम ट्रैक पे चल रही हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी टेक्नोलॉजीज पिछले सालों में ईजाद की। इसके अलावा जो रिजर्वेशन सिस्टम है, राइट, रिजर्वेशन सिस्टम CRIC, क्रिस, ये जो संस्थान है वो देखती है पूरा रिजर्वेशन सिस्टम इंडियन रेलवेज का। लगातार रिजर्वेशन में बहुत डायनेमिक परिवर्तन आते जा रहे हैं, तो जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुए पिछले कई सालों में, यू मस्ट लिस्ट इट आउट, ठीक है? तो ये जरूर आप पढ़ेंगे। इस प्रकार से रोज के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको फूड फॉर थॉट के तौर पर देता रहूंगा। तो आज का जो पहला सेक्शन है वो रिलेट कर रहा है ड्रोन पॉलिसी से। ड्रोन रूल्स आए हैं नए और उनका उद्देश्य ये है कि स्टार्टअप्स को ये ओवरऑल मदद करेगा। स्टार्टअप्स को कैसे मदद करेगा, थोड़ा सा रिलैक्स और लूज किया गया है पॉलिसीज को। किसकी पॉलिसीज को? ड्रोन रूल्स को। जो पिछली बार आए थे वो थोड़े से हार्श थे, इस बार उसको बहुत ही आसान बनाया गया है। तो यहां पर देखते हैं क्या क्या आसान बनाया गया है। तो यहां पर सेंटर रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस की जो रिक्वायरमेंट है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड इश्यूएंस, उसी को रिमूव कर दिया है। अब एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी कंसर्न है, किसको लेकर? ड्रोन को लेकर। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री देख लीजिए, डिफेंस मिनिस्ट्री देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, ओवरऑल देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए और वहीं से रेवेन्यू, वहीं से इकोनॉमी जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इज इट क्लियर? तो ड्रोन रूल्स में क्या क्या परिवर्तन है, देखिए हाल ही में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नोटिफाई किया ड्रोन रूल्स 2021 को। उसमें ट्रस्ट, मतलब विश्वास रखना, सेल्फ सर्टिफिकेशन कर पाएंगी एजेंसीज और नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग। इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है, घुसपैठ करके, मतलब पूरा नजर रखना, मॉनिटरिंग करना कि क्या हो रहा है, वो सब नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग होंगी, ना कि पहले जैसे इंट्रूसिव मॉनिटरिंग हुआ करती थी। नए रूल के तहत रिप्लेस कर दिया है एग्जिस्टिंग जो अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल था, उस जो कि मार्च 2021 में आया था, उसमें परिवर्तन किया गया। और क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ड्रोन रूल्स विल ट्रेमेंडसली हेल्प स्टार्टअप्स, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं देश में, स्टार्टअप इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। स्टार्टअप्स दुनिया के थर्ड सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आज की तारीख में इंडिया में होते हैं, नई कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स। इट विल ओपन अप न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर इनोवेशन एंड बिजनेस। देखिए बिजनेस का कल्चर बदलना है आने वाले समय में, अमेजोन, रिलायंस और जितने भी ये जो रिटेल स्टोर्स वगैरह हैं, ये आने वाले समय में और डिलीवरी के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाले हैं। तो इसीलिए इससे क्या होगा, इंडिया की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इनोवेशन में इनोवेशन होगा और देश में जो IITs वगैरह है वहाँ पर
ड्रोन्स के अलग अलग टेक्निक्स का और भी ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है आज की तारीख में टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग टू मेक इंडिया ड्रोन हब, और दुनिया का 2030 तक भारत ड्रोन हब बन जाएगा। तो ये उम्मीद के साथ में इसको लाया गया। देखिए कहीं ना कहीं ये पॉलिसीज को लूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि कई सारी चीज़ों पर लगाम लगा दिया जाता है तो उस कारण से क्या होता है, एक फ्री जो इनोवेशन है, एक एक ऑटोनोमस इनोवेशन जो स्टार्ट होता है वो रुक जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। यस और नो, सब कुछ बिजनेस प्रोफाइल से ही तो चल रहा है कि बिजनेस के पर्पज से यदि कोई चीज़ है तो वहाँ पर इनोवेशन और भी तेजी से किया जाएगा, कंपनीज भी अपना R&D लगाएंगी। सो ड्रोन रूल्स विल ट्रिगर अ रिवोल्यूशन नॉट जस्ट लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ही नहीं, बल्कि इट विल क्रिएट चेंज रिपल्स अक्रॉस द सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर। तो न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, उनको पहुंचाना करना, निगरानी रखना, सर्वेलेंस तक ही नहीं, जबकि एग्रीकल्चर के लिए भी ऊपर से फर्टिलाइजर्स हुआ या फिर जो है पेस्टिसाइड्स फॉर्म के छिड़काव के लिए, हेल्थ केयर के लिए, माइनिंग के लिए, यहाँ पर भी ड्रोन का प्रयोग किया जा सकता है। ड्रोन के बहुत ही व्यापक प्रयोग, एक छोटी सी डिवाइस किसी भी जगह पर आसानी से पहुंची जा सकती है जहाँ पर एक आम आदमी का पहुंचना इतना सफल नहीं हो। सो ड्रोन कुड बी सिग्निफिकेंट क्रिएटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। इंडिया हैड पोटेंशियल टू ग्लोब ड्रोन हब बाय 2030। तो लगातार देखिए कई सारी ऐसे ऐसे इजी किए जा रहे हैं, रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बात आप जरूर मानिए या ना मानिए, नो डाउट बहुत सारी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट इस तरह से क्यों कर रही है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है, बहुत बड़ा नुकसान है कुछ तबके को, वर्ग को। लेकिन यदि देश की ग्रोथ की बात करें तो इन सभी चीजों को करना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे जो भी विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्र की ओर उभर रहा है, बन रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं उन दिनों में ये सब रूल्स को रिलैक्स किया गया था, तभी वहां पर एक बिजनेस कल्चर एनवायरनमेंट आया। इज इट क्लियर? और रही बात गवर्नमेंट जॉब, इसकी तो गवर्नमेंट यदि मैं मैक्रो लेवल पे बात करूं तो गवर्नमेंट कितने लोगों को नौकरी दे पाती है ना, कितने लोगों को नौकरी दे पाती है, करोड़ में ही है कुछ जो है, राइट? लेकिन है ना, लेकिन एक्चुअल में जो नौकरी मिल रही है वो इनफॉर्मल सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर दे रहा है, और यहाँ पर ये ड्रोन वगैरह, इनसे क्या होगा, ठीक है, एक नया ओपन अप मार्केट होगा। टू क्रिएट डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एज बिजनेस फ्रेंडली हो, सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम हो जहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाए, अप्रूवल मिल जाए, इज इट क्लियर? तो की प्रोविजंस क्या हैं, सबसे पहली बात तो आ रही है द कवरेज हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 300 किलोग्राम टू 500 किलोग्राम। 300 किलोग्राम से की बजाय 500 किलोग्राम तक के भारी वजनी भी ड्रोन टैक्सीज को इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट एयर वर्दीनेस एंड डेलीगेटेड टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन एंड एंटिटीज ऑथराइज्ड बाय इट। तो वो ऑथराइज करेंगी इनको। एबॉलिश द नीड ऑफ वेरियस अप्रूवल, बहुत सारे अप्रूवल को ही खत्म कर दिया गया कि बार बार अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फर्मेंस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस, इंपोर्ट क्लियरेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग जो ड्रोन्स हैं, ऑपरेटर परमिट, ऑथराइजेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस वगैरह जो होते हैं, इन सब को एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। फ्यू रिड्यूस टू नॉमिनल लेवल, नो लिंकेज विद साइज ऑफ ड्रोन। और यहां पर साइज ऑफ ड्रोन से इसका कोई लिंकेज नहीं है, मतलब बड़ा साइज का है तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। फी भी रिड्यूस की गई है ताकि ओवरऑल इसमें एक बूस्टअप देखने को मिले। गवर्नमेंट विल बी डेवलपिंग डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म दैट विल हैव एन इंटरैक्टिव एयर स्पेस, मेक डिवाइडिंग द कंट्री इंटू ग्रीन, येलो एंड रेड जोन्स। जो रेड जोन्स है वो एयरपोर्ट के आसपास के इलाके वाले हैं, या फिर जो बाउंड्रीज हैं भारत के, इंटरनेशनल बाउंड्रीज उसके आसपास के। तो यहाँ पर ग्रीन, येलो, रेड जोन, ये जो जोन्स हैं अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, मतलब कि अब डेवलपिंग डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म विल हैव एन इंटरेक्टिव एयर स्पेस मैप डिवाइडिंग द कंट्री। तो वो इनको थोड़ा सा यहाँ पर भी रिलैक्स करेगा, क्योंकि
किलोमीटर्स में देखिए ड्राफ्ट रूल रिड्यूस कर दिए हैं, एयरपोर्ट की जो पैरीमीटर थी 45 किलोमीटर की बजाय 12 किलोमीटर तक पैरीमीटर पर भी ये जो है अपना काम कर सकते हैं। वैसे जो शुरुआत में जो रूल आया था उसमें ये था कि एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के बाहर के एरिया में तक जो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनके आसपास, और ये वहीं 50 किलोमीटर्स तक जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वहाँ पर कोई ड्रोन का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन अब इसको और रिलैक्स किया जा रहा है, हाइट्स जो हैं वो परिवर्तन किए, कितने हाइट्स पर, कितने किलोमीटर तक, कितने हाइट पर होगा, तो 8 से 12 किलोमीटर तक 200 फीट तक के ऊंचाई पर एक ड्रोन उड़ सकता है, 200 फीट की ऊंचाई तक। मिनिस्ट्री विल ऑल्सो फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन कॉरिडोर्स एंड कार्गो डिलीवरीज एंड ड्रोन प्रमोशन। ड्रोन कॉरिडोर का मतलब पर्टिकुलर वो लोकेशन जहां एयर स्पेस का यूज करके ड्रोन मूव करेंगे, ताकि क्या हो सके, बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजीम का संचालन प्रॉपरली हो सके। ड्राफ्ट रूल ऑल्सो प्रोवाइड सेफ्टी फीचर सच एज रियल टाइम ट्रैकिंग, है ना, मतलब रियल टाइम ट्रैकिंग हो पाएगी कि वो लोकेशन कहाँ है, किस जगह हो रहा है। बीकन, बीकन का मतलब एक बीम होती है लाइट। जियो फेंसिंग विच आर एक्सपेक्टेड टू नोटिफाई इन फ्यूचर, 6 month लीड टाइम विल बी प्रोवाइडेड फॉर कंप्लायंस, 6 महीने का समय दिया जाएगा। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम प्रमोशन काउंसिल विल सेटअप टू फैसिलिटेट बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजीम। तो ये कुल मिला के ड्रोन रूल का उद्देश्य यही है कि बिजनेस फ्रेंडली, ट्रस्ट जनरेट हो, सेल्फ सर्टिफिकेशन, नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग होगी, और उसके अलावा इन सभी पॉइंट को रिलैक्स कर दिया गया है। इज इट क्लियर? तो यहां पर देखिए, और यदि आपको डिटेल में देखना है तो यहां पर एक और काम किया गया है, नंबर ऑफ फॉर्म्स जो हैं वो रिड्यूस कर दिए। मतलब जो फॉर्म्स थे, जो पहले 25 फॉर्म्स हुआ करते थे भरने वगैरह होते थे, जो अब 5 कर दिए। टाइप ऑफ फीस रिड्यूस, 74 प्रकार के अलग अलग फीस थे उसको 4 ही प्रकार की बना दिया गया है। क्वांटम ऑफ फीस में मतलब जो अमाउंट था उसको भी कम किया गया। रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्ट क्लियरेंस डीजीसीए ने उसे भी अबॉलिश कर दिया कि जो इंपोर्ट क्लियरेंस है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। ड्रोन रूल में साइज भी इनकी 300 किलोग्राम की बजाय 500 किलोग्राम तक के ड्रोन टैक्सीज को भी इसमें कवर किया है। पहले पेनल्टी ज्यादा हुआ करती थी, अब 1 लाख तक की वॉयलेशन की पेनल्टी है, ठीक है, वॉयलेशन पर पेनल्टी है। ड्रोन कॉरिडोर डेडिकेटेड डिलीवर किए जाएंगे, ड्रोन प्रमोशन काउंसिल सेटअप की जाएगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अब देखिए, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो ड्रोन पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप, यस, तो लिबरलाइज ड्रोन रूल्स, ये सारे पॉइंट्स हमने एक बार देख लिए। लिबरलाइज्ड कर दिया गया है रिजीम को, अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम को, लिबरलाइज का मतलब स्वतंत्रीकृत किया गया। बहुत से अप्रूवल एबोलिश कर दिए जो हमने ऑलरेडी देख लिए, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस क्लियरेंस, ठीक है, रिमोट पायलट लाइसेंस स्टूडेंट के, ये सब बातें हमने पढ़ी ली है। क्वांटम ऑफ फीस को यहाँ पर देखिए, 3000 जो फीस थी, रिमोट पायलट लाइसेंस फी जो था उसको केवल 100 रुपये कर दिया गया, और ये लाइसेंस 10 साल तक के लिए वैलिड है। 3000 की बजाय 100 रुपये में ही वो आसानी से जो है लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, इट शेल डेवलप यूजर फ्रेंडली सिंगल विंडो सिस्टम, ताकि सिंगल विंडो क्लियरेंस देखने को मिले, राइट। नो परमिशन रिक्वायर्ड इन ग्रीन, ग्रीन जोन में आप कभी कहीं पर भी कुछ उड़ा सकते हैं। ग्रीन जोन मीन्स एयर स्पेस अप टू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 400 फीट और 120 मीटर, दैट इज नॉट बीन डेजिग्नेटेड एज रेड जोन और येल्लो जोन। तो यहाँ पर ग्रीन जोन जो है 400 फीट तक यदि उड़ रहा है तो वो अपने आप में ग्रीन जोन है, वर्टिकली देखिए सब डिवाइड कर दिया गया। इज इट क्लियर? एंड एयर स्पेस अप टू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 200 फीट और 60 मीटर अबाउ द लोकेटेड बिटवीन लेटरल डिस्टेंस ऑफ 8 to 20 किलोमीटर पैरामीटर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट या बाउंड्रीज वगैरह है, जो बाउंड्रीज वगैरह है उसके आसपास 200 फीट और वैसे 400 फीट तक यदि ये उड़ रहे हैं तो इसी को ग्रीन जोन मान लिया गया। डी लाइसेंसिंग कर दी गई है ताकि आसानी से माइक्रोडोन वगैरह आसानी से उड़ सके। फॉरेन ओनरशिप, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ओनरशिप, उसमें भी कोई बाधा नहीं आएगी। इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स टू रेगुलेट बाय DGFT एंड DGCA। तो रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्ट क्लियरेंस अब जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन वाला जो प्रोसेस था वो सब कुछ हटा दिया गया। साइज ऑफ ड्रोन, ये हमने बात कर ली। टेस्टिंग ऑफ ड्रोन सर्टिफिकेट वगैरह जो है काउंसिल,
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और ऑथराइज्ड टेस्टिंग एंटिटी के द्वारा दी जाएगी। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है, जीएसटीएन इनवॉइस के साथ में, एंड पेनल्टीज जो है 1 लाख तक ही कर दिए। परमिशन, नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग, सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर लाइक नो परमिशन जियो फेंसिंग टू बी नोटिफाइड इन फ्यूचर, एंड 6 मंथ लीड टाइम विल प्रोवाइड टू द इंडस्ट्री कंप्लायंस। और ड्रोन कॉरिडोर बनेंगे, प्रमोशन काउंसिल बनेगी जो प्रमोट करेंगे इन्हें ताकि ग्रोथ और भी तेजी से देखने को मिले ड्रोन सेक्टर में। तो इसके अलावा कुछ जो पॉइंट्स हैं, वैसे मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैव कवर्ड ऑलरेडी, ये इकोनॉमिक टाइम्स में से मैंने आपको कंटेंट अरेंज कर दिया है। यदि कुछ और पॉइंट मिस हो तो यहाँ से आप लोग जरूर कवर कर लेंगे। तो 100% ड्रोन पॉलिसी जो नई आई है उसमें आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि नई प्रमोशन काउंसिल बनाई जा रही है और रेगुलेट किसके द्वारा किया जाएगा, DGFT के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग चलिए तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड है किससे, देखिए अभी हाल ही में देखिए फेस रिकॉग्निशन हमने देखा। तो फेस रिकॉग्निशन में देखिए चेहरे के अलग अलग पॉइंट, एक्सप्रेशन सब कुछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले कैप्चरिंग होता है, वो एक्सट्रैक्ट करता है कि जो डेटा लिया गया है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर जो डेटाबेस में है उससे कंपेयर करता है, और मैचिंग यदि आइडेंटिफाइड हो जाती है तो इसका मतलब है फेस रिकॉग्निशन। लेकिन अभी बहुत सी संस्थानों ने पेटिशन लगाई है कि इंक्रीज यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होगा, तो ये अपने आप में राइट टू प्राइवेसी का हनन है, और इस पर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। तो इससे रिलेटेड क्या है, जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, इंडिया अंडर प्रोजेक्ट पेनोप्टिक 9 फरवरी 1920 को वी रोट ऑन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आस्किंग देम टू कंडक्ट हियरिंग ऑन यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बाय गवर्नमेंट। और ये जो है ना पेटिशन की बात कर रहे हैं, पेटिशन क्यों, क्योंकि ये होना ठीक नहीं। और ये किसने लगाया है, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है उसके द्वारा ये पेटिशन लगाई जा रही है कि दिस इज नॉट गुड। इज इट क्लियर। अभी नैनो रोबोट्स बहुत से आ रहे हैं, मैंने बात की थी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी नैनो रोबोट्स, और वो नैनो लेवल पर होते हैं जो पर्टिकुलर टारगेटेड जहां कैंसर है वहां पहुंचकर अपना काम करते हैं। तो बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड नैनो बोट्स आजकल आ रहे हैं। तो इनमें फ्लेक्सिबल प्लेनर फ्लेक्सिबल टेल रोबोट है, हेलिकल रिजिड टेल रोबोट, सीलिया टेल नैनो रोबोट, मैग्नेटिज्म के प्रभाव से काम करने वाला रोबोट। तो ये सभी जो हैं लाइट पर फोटोन्स पर काम करने वाले रोबोट्स, और बायोकेमिकल से एनर्जी प्राप्त करने वाले नैनो लेवल के रोबोट। इज इट क्लियर। तो ये सभी जो रोबोट हैं ये बायो मतलब जैविक और हाइब्रिड कैरियर प्रोपल्शन ऑफ सिस्टम, और इस प्रकार के माइक्रोब बेस्ड मैमेलियन सेल बेस्ड अलग अलग प्रकार के नैनो रोबोट्स, और इनकी मदद से डिजीज वगैरह को ठीक करने में मदद मिलेगी। फिर बात आती है, अभी हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ई कोर्ट्स नाम की सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है जो हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को आसान बना देगी और एक्सेसिबल बना देगी। तो इस ऐप में क्या है, जुडिशियरी एडवोकेट लिटिगेंट्स जिसने दायर किया है, पुलिस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अदर शेयर होल्डर होंगे। और इससे क्या होगा, आपका जो केस, मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई केस चल रहा है तो केस का स्टेटस क्या है, कॉज लिस्ट क्या है, कोर्ट ऑर्डर ऑन द गो, और ई कोर्ट सर्विसेज ऐप को डाउनलोड करके एनी टाइम एनी वेयर आप अपने सिक्योरिटी के साथ में अपने डिटेल कब होगा किस समय क्या टाइमिंग रहेगी वो सब हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अपडेटेड जो है ऐप बनाई गई है। डेटाबेस और लीगल प्रेसिडेंट्स होगा, डेटा प्रोटेक्शन भी होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, रिसर्च फ्रेंडली होगा, प्रोवाइड टेम्पलेट टू जजेस को भी टेम्पलेट्स मिलेंगे, और इससे कमिटमेंट के साथ में मिनिमम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डेटा नहीं मतलब लीक होगा यहाँ से, ये प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पर। कीपिंग द ट्रांजिएंट डेटा इन मेमोरी ओनली एंड स्टोरिंग डेटा एनी वेज। तो इस प्रकार से ये जो है एक बहुत ही अच्छा काम करने वाला है, इसमें सर्वेलेंस होगा, निगरानी भी रखी जाएगी,
और डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल ड्यूटीज टू ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्टेट दैट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज कैन यूज रिजॉल्व केसेस अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 दैट डू नीड एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। तो यहाँ पर इनकी जो एप्लीकेशंस है, इसके क्या स्टेटस है, उन सभी को 360 डिग्री प्रोफाइल ऑफ सिटीजन। तो यहाँ से ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ICJS विल बी हाउस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गिविंग द एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्सेस टू 360 डिग्री प्रोफाइल ऑफ ऑल द सिटीजन। तो इससे क्या होगा, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आसानी से मेंटेन किया जा सकेगा। इज इट क्लियर? ड्रोन रूल्स हमने देखे लिए। अभी हाल ही में एक बहुत ही खतरनाक अटैक देखा गया काबुल एयरपोर्ट पर, और इसमें लगभग 13 जो अमेरिकन सोल्जर्स थे वो, और लगभग जो है 100 के करीब लोग मारे गए हैं, जिसमें अमेरिकन, अफगान, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो लिस्ट तालिबान को सौंपी थी कि इनको आने दिया जाए, उन्हीं लिस्ट पर अटैक किया गया इस्लामिक स्टेट के द्वारा। ये सब देखने को मिला। तो लार्ज एक्सप्लोजन था, बहुत ही भयावह था, दो अलग अलग लोकेशन पे हुआ। अ मैन ब्रॉट टू हॉस्पिटल, यूएस ऑफिशियल्स आर वेरी ऑफ फर्दर अटैक नियर द एयरपोर्ट। और ये भी चिंता थी उनको कि कहीं और अटैक ना हो। तो एक बहुत ही खतरनाक अटैक यहाँ पर बैरन होटल के पास देखने को मिला, एबे गेट पर, इस लोकेशन में, जहाँ से जिस प्रकार साइगोन मोमेंट आपने देखा था, वहां पर एक हेलीकॉप्टर था, 45 से ज्यादा, एक हेलीकॉप्टर 45 से ज्यादा लोग, और उनको सबको फिर छोड़कर चले गए थे लोग। तो अमेरिका के जो जो बाइडेन है, उन्होंने स्वीकारा है कि ये मेरी ही गलती है। साथ ही साथ में उन्होंने कुछ आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर भी लगाए हैं। तो हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हुआ। वैसे बाय द वे मैं बता दूं आपको कि हामिद करजाई को जो अभी शरण दी हुई है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दी है, यूएई में है करंट में हामिद करजाई। इज इट क्लियर? चलिए, मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो एक बहुत ही बुरा हाल है रेनफॉल का। 65% से कम रेनफॉल है। ओवरऑल देखें तो भारत में 10 से 30% रेनफॉल कम है, 30% तक रेनफॉल कम है। जबकि यदि मान लीजिए 100% रेनफॉल हो रही है तो ओके है, 90% और 100 के बीच में है तो भी ठीक है, लेकिन 90 से नीचे तो रेन डेफिसिट कहला देता है। और 110 से ज्यादा बरसात हो जाए भारत पूरे देश में तो रेनफॉल सरप्लस कहलाएगा। तो यहां पर लेस देन 90% जो है LPA कहलाता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज का लेस देन 90%, तो ये डेफिशियंट कहलाता है, बिल्कुल कमी है ये बरसात में। बिलो कहलाएगा यदि 90 से 96% है, 96 से 104 है तो नॉर्मल है, 104 से 110 अबाउ नॉर्मल। एक्सेस बरसात हुई यदि पूरे भारत देश में, जो मान लीजिए पिछले साल 100 के हिसाब से बरसात हुई और 110 हो गई, तो ये एक्सेस रेनफॉल कहलाएगा। तो ये आपको पूरे के पूरे प्रोसेस पता होने चाहिए कि 90 से नीचे, 90 से 96, राइट, 90 to 96 बिलो, एंड 96 to 104 नॉर्मल, फिर 104 to 110 अबव नॉर्मल, एंड एक्सेस में हो जाएगी यदि 110 से ज्यादा हो जाए। तो ये पैटर्न है। वैसे मैं बता दूं आपको, खरीफ की जो फसल है, खरीफ की फसल तो बहुत अच्छी हो गई है इस बार, लेकिन इस बार रेन डेफिसिट रहा, बहुत सारी फसलें मुरझा गई हैं, तो इसका नुकसान हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा रबी फसल में, जिसमें गेहूं इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। हु इज मोर वल्नरेबल टू कोविड, कोविड में कौन ज्यादा वल्नरेबल है? तो यहां पर पाया गया कि पुरुष, मेल ज्यादा वल्नरेबल है फीमेल की तुलना में। आप कंपैरिजन देख लीजिए, सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो ग्रुप है वो 61 से 70 ग्रुप का है, और यहां पर महिलाएं जो हैं कंपैरेटिवली, देखिए पुरुषों का मूवमेंट बाहर ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो ये भी एक रीजन है। सो डिसप्रोपोर्शनेट फैटल फॉर मैन, तो देख लीजिए सबसे ज्यादा इफेक्ट, और देखिए परसेंटेज में भी देखेंगे तो 28.6% जो डेथ्स हुई हैं वो इस एज ग्रुप में हुई है। 50 से ऊपर टोटल जो डेथ हुई है 76.7, मतलब 50 से ज्यादा डेथ। तो ये आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओवरऑल देखिए मेल और फीमेल का डिफरेंस 17,315, जबकि मेल 38,973।
तो यहाँ पर छोटे बच्चों की तो न के बराबर मृत्यु देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर 50 से ऊपर वाले जो लोग हैं उनकी सबसे ज्यादा 70 है ना, 6.7। तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से नंबर बता रहे हैं कि 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 में भी मेल देखिए बहुत ज्यादा है, 3 टाइम, ढाई ढाई गुना ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हमें बहुत ही खतरनाक रूप दिखा रहे हैं कोविड का, और मेल को ज्यादा। ये कुछ पॉइंट्स आपके काम में आ सकते हैं, इसलिए मैं ये आपको कवर कर रहा हूँ। ट्यूबरकुलोसिस जो है ना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR, आपने सुना होगा ट्यूबरकुलोसिस बहुत खतरनाक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है कई बार, और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो जाता है। क्यों? वो जो दवाइयां हैं जो मेनली 5 डोजेस का कॉम्बिनेशन है उसको भी वो भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते, मतलब टीबी उन पर भी हावी हो जाता है, उन उन चीजों का जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो जीवाणु है वो उन सबको भी बाईपास कर देता है, मतलब उस उनका उस पर कोई असर नहीं होता। तो टीबी जो है ना सबसे ज्यादा इंफेक्शियस कंटेजियस या संक्रामक बीमारी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मृत्यु करती है, और डेडलीएस्ट कॉम्बिनेशन है टीबी के साथ में यदि किसी को HIV भी है तो उसकी मृत्यु जो है ना बहुत ज्यादा मतलब संभव हो जाती है। क्यों? क्योंकि HIV भी है तो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम, HIV में होता क्या है, T4 लिम्फोसाइट नाम की जो सेल्स हैं WBC की, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब इम्यूनिटी बिल्कुल कमजोर हो गई तो ट्यूबरकुलोसिस हावी हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए 1.7 मिलियन, मतलब 17 लाख लोग मारे गए ट्यूबरकुलोसिस से। 10.4 मिलियन, कब की बात है, 2016 में 10.4 मिलियन पीपल फेल इल फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। तो लगभग तो देख लीजिए फैटलिटी रेट कितना ज्यादा है, और जो ट्यूबरकुलोसिस है उसमें डॉट्स के, DOTS डॉट्स के टीके लगाए जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में 12 महीने तक, जो है ना 6 से 12 महीने तक डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म, राइट, एस का मतलब है शॉर्ट टर्म। और जो व्यक्ति इतना कंटेजियस होता है कि आसपास यदि और कोई व्यक्ति है तो उसको भी ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ये सारे जो हैं केसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो ट्यूबरक्लोसिस एक डेडलीएस्ट इंफेक्शियस डिजीज में से एक है। और वाटर, वर्ल्ड वाटर डे, देखिए पूरे विश्व में जो पानी है वो केवल और केवल, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आपसे मेरा ये प्रश्न है। 3% पानी है जो पोटेबल है, पीने योग्य है, ड्रिंकेबल है, उसमें से भी ज्यादातर ग्लेशियर्स या फिर आइस क्यूब के रूप में, आइस ग्लेशियर के रूप में पोल्स में जमा है, या फिर ग्राउंड वाटर भी है। तो इस प्रकार देखा जाए तो और भी कई बहुत ही मिनिमम पानी है, और अब जो हम पूरी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में की कितनी है, 7.8, उसका लगभग जो है 1/3 पॉपुलेशन उसको ड्रिंकिंग वाटर सेफ्टी भी मैनेज नहीं कर पाते वो प्रॉपरली। सबसे ज्यादा जो वाटर का, जो वाटर गजलिंग क्रॉप है, सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर में वाटर का प्रयोग होता है। इज इट क्लियर? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको इन्फोग्राफिक्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, अब हम लोग बात कर रहे हैं अदर जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। लीजिए ये लीजिए, तो ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, अभी बहुत अच्छा ये आर्टिकल आया है सामने, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग गिल वल्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ वल्चर्स। गिद्ध जो इकोसिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया में 95% तक जो वल्चर की पॉपुलेशन है 1990 के आधार पर, mid-2000 के आधार पे, टुडे कंट्री रिक्वायर, तो ये जो है वल्चर पॉपुलेशन वो लॉस्ट हो गई है, खत्म हो गई है। अर्जेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स कैन सेव वल्चर, वल्चर के लिए हमने एक्शन प्लान भी बनाया, वल्चर एक्शन प्लान। तो वल्चर एक्शन प्लान क्या है आप उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख दीजिए, साथ ही साथ में वो 4-5 जगह कौन कौन सी है जहां पर हम लोग वल्चर की ब्रीडिंग साइट बना रहे हैं। वल्चर इज रिलेटेड टू एसीपीट्रिडे फैमिली से बिलोंग करता है, एसी
ट्रेडे, और इसमें आते हैं वही चील, बाज, हॉक, काइट्स इत्यादि। बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 10 से 30 साल का है। वल्चर आर स्लो ब्रीडर, मतलब बहुत धीरे धीरे उनका प्रजनन होता है, और सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज वेरी क्रूशियल। तो इसीलिए एक एक इंडिविजुअल का बचना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये खत्म हो जाएंगे। और ये स्केवेंजर प्रकृति के सफाई कर्मी कहलाते हैं, राइट? स्केवेंजर प्रकृति के ये सफाई कर्मी कहलाते हैं, राइट? अब हम लोग बात कर रहे हैं, आगे बात करेंगे कि जनरली वल्चर रिलाय ऑन अदर कार्निवोर्स टू ओपन, और वल्चर जो है ना दूसरे कार्निवोर्स के जो मांस हैं उनको खाते हैं। इनके बहुत ही मतलब इन्होंने अपने आप को इकोलॉजी में कैसे अपने आप को बैलेंस किया है, इनकी बिल्स और लॉन्ग स्लेंडर नेक, जो गर्दन बहुत लंबी होती है, बिल चोंच वगैरह बिल्कुल आगे से नुकीली होती है, हेल्प देम टू टीयर ऑफ मीट चंक इन साइड द कार्कस, जो मृत शरीर है उसमें से आसानी से ये उसे बाहर कर लेते हैं, मतलब आसानी से खा लेते हैं उसे। इंडिया हैज 9 स्पीशीज, अलग अलग 9 हैं, और मैनी क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है। मैंने आपको इस पर बताया भी था पूरा डिटेल में। इनकी सबसे खासियत क्या होती है कि इनके आंतें जो है ना हाईली एसिडिक होती हैं, तो यदि मान लीजिए सड़ा गली मरी हुई चीजें खाते भी हैं तो ये बीमार क्यों नहीं होते, क्योंकि इतना एसिडिक होता है कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वो मर जाता है इनके आंतों में जाकर। इज इट क्लियर? क्या रोल प्ले करते हैं ये? रिमूविंग वल्चर फ्रॉम इकोसिस्टम लीड इनसफिशियंट क्लियरिंग ऑफ कार्कासेस, और ओवरऑल क्या होगा, वो जो सड़े गले जो ये जीव जंतु हैं वो पानी सिस्टम को खराब कर देंगे, वाटर सिस्टम को कंटेमिनेट करेंगे। इट मे गिव राइज टू डिजीज कॉजिंग पैथोजन, बिकम फर्दर कैरियर ऑफ डिजीज, और इससे आगे से आगे आगे से आगे बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, और इस प्रकार से हमारा इकोसिस्टम मेंटेन नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में कंसर्न क्या आया था, जो डिक्लोफेनेक नाम की दवा है, ये जो मवेशी हैं मतलब जो कैटल हैं वो लंबे समय तक खड़े रहते हैं ना, तो उनके जोड़ों वगैरह में दर्द होने लगता है, और इस दर्द को कम करने के लिए डिक्लोफेनेक दवा दी जाती है, दर्द को मारने वाली, जैसे पैरासीटामोल है ना, बुखार के लिए भी और दर्द के लिए भी। तो डिक्लोफेनेक के कारण क्या होता है, इस दवाई के कारण इन ये जब जानवर मरते हैं तो उनके शरीर में डिक्लोफेनेक होता है, ठीक है ना। बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन आपने जरूर पढ़ा होगा, तो जरूर शॉर्ट नोट लिख दीजिए, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन के ऊपर, और डिक्लोफेनेक में यही हो रहा है, राइट? बायो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, और इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते डिक्लोफेनेक के कारण इनकी किडनी फेल हो जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि भाई इनकी बहुत मेडिसिनल हीलिंग पावर है, इसीलिए कुछ जो है वल्चर का हंटिंग भी करते हैं, क्वारिंग एंड ब्लास्टिंग ऑफ स्टोन। तो जब हम लोग किसी चीज का खनन कर रहे हैं, ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो उससे भी वल्चर्स के नेस्ट टूट जाते हैं, इसलिए भी डिक्लाइन हो रहा है। इंडिया ने 2006 में ही इसीलिए डिक्लोफेनेक को बैन कर दिया था, और साथ ही साथ में एक्शन प्लान वल्चर का 2020 से 2025, ये जरूर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, अप्रूव्ड इन अक्टूबर 2020। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं इस प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वल्चर रेस्टोरेंट क्या होते हैं भाई, जहां पर उनको प्रॉपरली प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, वो वल्चर रेस्टोरेंट कहलाते हैं, जहां पर उनके प्रिजर्व किया जाए, अंडे वगैरह से लेकर उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। इन दीज रेस्टोरेंट्स डिक्लोफेनेक फ्री कार्केस ऑफ कैटल आर डम्प्ड एंड डिजाइंड एरिया वल्चर गैदर टू फीड एंड, मतलब इस प्रकार के जहां पर डिक्लोफेनेक फ्री एनवायरमेंट। कुल मिला के अवेयरनेस एंड एक्शन मस्ट गो इन हैंड विद इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे कमिंग, क्योंकि 4 सितंबर को इंटरनेशनल वल्चर डे आने वाला है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द वल्चर इन आर इकोसिस्टम। तो अगले जो टॉपिक हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, राइट? आज थोड़ा सा लेट हो गई थी क्लास, तो आज मैं यहीं पे रोकता हूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीवन।